नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज़ टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में टेस्ट नंबर 19 देख रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024-25। और अब जो समय है वो खाली रिवीजन का है। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग टेस्ट लगाते हैं, रोज़ एक एक टेस्ट भी लगाते हैं तो सफिशियंट है। बहुत ज़्यादा टेस्ट लगा करके अपने आपको तनाव नहीं देना है किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो आज का वीडियो देखते हैं कि भाई कैसा आज का टेस्ट है और आपके कितने नंबर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर थोड़े कम नंबर आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 70 से 80 के बीच में आ रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है अपने को। अपने को ये देखना है कि भाई अपना जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसमें जाकर के आपको फिर से आपको रिवाइज़ करना है। अच्छे से पढ़िएंगे तो वो चीज़ 70-80 के बीच वाली गाड़ी जो है वो 5-6 क्वेश्चन और आगे बढ़ेगी। तो करने का तरीका यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करो, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेटजी का वीडियो नहीं देखा तो स्ट्रेटजी का वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से अगर आप लोग करते हैं कार्य उस हिसाब से तो आपको निश्चित तौर पर काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से प्रीलिम्स निकलेगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गौरी नाट्य किसके द्वारा किया जाता है, कौन सी जनजाति है वो। ये भीलों के द्वारा किया जाता है और इसको मेरू नाट्य भी बोला जाता है, मेरू नाट्य, ठीक है, मेरू नाट्य भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये रक्षाबंधन से संबंधित है, ठीक है, शिव और भस्मासुर की कथा का उसमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि सुमेर सिंह मध्य प्रदेश के किस लोक गायन से संबंधित है, सुमेर सिंह, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कलगी तुर्रा, जो कि आपको पता है निमाड़ में किया जाता है। नेक्स्ट है कि बेगम असगरी बाई का जन्म किस जिले में हुआ, छतरपुर में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस जनजाति की भाषा को मध्य प्रदेश की पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है, तो कौन सी जनजाति है वो, गोंड के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जिनको शामिल हुआ। सर्वाधिक 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए, तो रोहित शर्मा है। नेक्स्ट है नीति आयोग की बहुआयामी गरीब रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला अपना जो राज्य है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी किसके द्वारा, ये M.S. स्वामीनाथन जी के द्वारा लाई गई थी, जो सेकंड अपनी क्रांति थी उसमें सदाबहार करने के लिए बोला गया था, क्योंकि पहले जो क्रांति थी उसमें रसायन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, तो भूमि की उर्वरता काफ़ी कम हो गई थी। अवन धान उगाया जाता है, कब उगाया जाता है, ये विंटर सीजन में नवंबर दिसंबर में, ठीक है, लगाया जाएगा। निम्नलिखित में से किसी आसन्न सुनामी की प्राथमिक चेतावनी माना जा सकता है, पढ़ लीजिए थोड़ा सा, एक दो सेकंड थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होगा, समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोल कह रहा है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि भाई जब तट पे जल की तीव्रता का अपनयन होता है तब, ठीक है। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, समुद्र के अंदर किसी प्रकार का भूकंप अगर आ जाएगा तो सुनामी की उत्पत्ति होगी। चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तरी सरकार तट पर। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, यदि वह क्या करता है, तो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा कि अगर कोई विधि के समक्ष समता के अधिकार को भाग 3 से हटा करके किसी अन्यत्र कहीं करता है तो उसको ये असंवैधानिक घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है इसके बाद कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, वो किसके हिसाब से रहता है, मतलब कैसे रहता है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने पद ग्रहण के 3 से, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, राइट आंसर क्या है, उन्हें परमादेश के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिख रहा है, जो कि द्वितीय अनुसूची बोला जा रहा है, द्वितीय अनुसूची नहीं होगा, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर चौथी अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय अनुसूची में तो वेतन भत्ते इस टाइप की चीज़ें। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ मिलान करना है, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, ठीक है। 16 राइट आंसर देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात संसद का विशेष अधिकार कहाँ से लिया गया हमने, ब्रिटेन से। आवश्यक शक्तियाँ की बात करेंगे तो आयरलैंड से। राज्य की नीति, संसद के विशेष अधिकार ब्रिटेन से। अवशिष्ट शक्तियों की बात करेंगे तो अपन हो जाएगा कनाडा से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। न्यायिक पुनरावलोकन USA से। तो अगर खाली आपको सी भी पता होता तो उससे आपका हो जाता राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि सी एक ही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, ये हो जाएगा गांधीनगर में, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत को सर्वाधिक LNG की आपूर्ति कौन करता है, LNG की आपूर्ति कौन करता है, ये हो जाएगा कतर, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विमल जलान पैनल का गठन कब किया गया था, कब किया गया था और किसके लिए किया गया था पूछा गया, मतलब ये
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ये, नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु ये किया गया था। और इसको याद रखने का तरीका क्या होगा भाई, नए लाइसेंस अगर देना है तो आपको क्या जलन हो रही है, ठीक है? तो ये जालन से जलन याद रखेंगे और नए लाइसेंस, ठीक है? तो ये इससे याद हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा यदि अगर वीडियो से अच्छा लग रहा तो, ठीक है? नेक्स्ट, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो क्या होगा अगर प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लेयर दोनों एक साथ काम करेंगे तो मिश्रित हो जाएगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि हाल ही में भारत में घरेलू नौकायन शुरू करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का क्या नाम है? इस टाइप का सीधा नाम भी पूछ लेते हैं, ठीक है? तो राइट आंसर क्या होगा, कोस्टा सेरेना। नेक्स्ट, निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के बारे में बात की जा रही है, सबसे वेग अधिक उसी का होगा, ठीक है? नेक्स्ट है सूची का मिलान करना है, यहाँ पे आर्सेनिक, कोबाल्ट, आयोडीन 131, सोडियम और 24, मतलब ये सब आइसोटोप्स है, किसके लिए यूज किए जाते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। तो राइट आंसर बता दीजिए इसका जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात मिला लेते हैं। आर्सेनिक की बात करेंगे तो ट्यूमर से संबंधित हो जाता है, फिर वहीं कोबाल्ट की बात करें तो कैंसर से, ठीक, और आयोडीन हो जाएगा थायराइड से, आयोडीन तो थायराइड से होती ही आपको समझ में आता है, सोडियम अपना ब्लड से, रक्त व्यतिक्रम से, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि फसल लॉगिंग की विधि है, क्या है फसल लॉगिंग की विधि, किस प्रकार की विधि है ये, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना, फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे पौध विश्लेषण। बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, जो कि महू में स्थित है, इसको दिया गया दर्जा 2016 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंख अभियान कब से शुरू किया गया पूछा गया, पंख अभियान 2021 में किया गया था, ईयर याद रख लेते तो यहाँ से राइट हो जाता है 24 जनवरी 2021, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद सूची एक और सूची दो का मिलान करना है, लोक गायन और संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक, 27, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका देख लो, डी हो जाएगा। कि रेलो गीत कहाँ से हो जाएगा, मालवा का, गरबा गरबी हो जाएगा, निमाण का, देवारी, बुंदेलखंड का, घोटुलपाटा, बघेलखंड का, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से लोकगीत की विषय वस्तु राधा कृष्ण से संबंधित है, तो ये देवारी हो जाएगा, देव के नाम से देवारी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्न में से पर्यटन स्थल ग्वालियर में स्थित नहीं है, कौन सा पर्यटन स्थल ग्वालियर में स्थित नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, जहाजमहल ग्वालियर में नहीं है, मांडू में। ब्रिक्स कन्वेंशन ऑफ टूरिज्म किस वर्ष खजुराहो में आयोजित किया गया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना, 2016 में किया गया था, यह ध्यान रखिएगा, वैसे इतना पुराना पूछेगा नहीं और अगर पूछ लेगा तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते आप लोग। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं, कौन नहीं रहे, जीडी दीक्षित नहीं रहे, बाकी सब लोग रहे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश लोकसभा सीटों में कितनी अनुसूचित जाति एससी पूछा है, ठीक है, ना कि एसटी पूछा, तो एससी 4 हो जाएगा और एसटी की बात करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में पहला डीजल लोकोमोटिव संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है, सीहोर में, ठीक। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में गांवों के लिए सौर प्रकाश प्रदान करने वाली एजेंसी कौन सी है, कौन सी करेगी वो, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। मध्य प्रदेश का तालाबानी क्षेत्र किस खनिज क्षेत्र के उत्पादन से संबंधित है, तो कौन सा खनिज का उत्पादन होगा इस क्षेत्र में, ये हो जाएगा बॉक्साइट का उत्पादन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि बेनीगंज सिंचाई नहर का निर्माण किस जिले में किया जाता है, किया जा रहा है, मतलब ये पूछा गया, ये कहाँ पर किया जा रहा है, छतरपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची एक और सूची दो दी गई है, उसका मिलान करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मिलान करने के लिए आपको उसका कूट देखना पड़ेगा, तो ये कूट यहाँ पे देख लीजिए इधर, ठीक है। अब ऊपर नीचे कूट लिखा है तो फिर यहाँ से समझ में आएगा आपको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देख लेते हैं अपन, ठीक है, इधर ही देख लेते हैं अपन, समझ में आ जाएगा इससे। तो मध्य प्रदेश राज्य भंडार का निगम क्या हो जाएगा, 1958 में। लघु कृषक विकास अभिकरण का गठन कब किया हो जाएगा, ये हो जाएगा 1971 में। भूमि विकास निगम का स्थापना कब हुआ, 77 में। थ्रस्ट योजना 1989 में, ठीक है। इसका आंसर ऐसा जिसने भी लगाया उसका सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कुफरी बादशाह कुफरी चंद्रमुखी निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है, कुफरी बादशाह कुफरी चिप्सोना इस टाइप की जो है किसमें हो जाएगी, आलू की है, ठीक है, चिप्स बनता है इनसे। सूची एक सूची दो का मिलान करना है, यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व दिए गए हैं मतलब उनको कब शामिल किया गया है पूछा गया है, तो राइट आंसर देख लो इसका जल्दी से, राइट आंसर देख लेते हैं, ये हो जाएगा राइट आंसर 1 2 3 4 जिसने लगा सही है, बांधवगढ़ 93 में, पेंच 92, संजय गांधी 2008 और स्पन्ना 1994, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है,
राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि किस नदी का प्राचीन नाम ख्याता या छाता भी मिलता है, तो राइट आंसर कान्हा नदी हो जाएगा, कान्हा नदी, खान नदी जिसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। ठीक है, देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये सभी सही है कि भाई 200 किलोमीटर के डिस्टेंस है कहाँ से, मध्य प्रदेश से समुद्र की, 300 मीटर की इसकी एवरेज हाइट है मध्य प्रदेश में, और इसको बोला जाता है उच्च भूमियों का प्रदेश, सेंट्रल हाईलैंड। मध्य प्रदेश का चौपन आंदोलन कब हुआ, ईयर अगर पता है तो उससे राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी 1947। सूची एक और सूची दो का मिलान करना है कि कौन कौन शासक किससे किससे संबंधित है। ठीक, तो कर लीजिए मिलान जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 बघेल से हो जाएगा श्रीबल, तोमर से हो जाएगा वीर सिंह, मालवा से गौरी और आदिल खान हो जाएगा फारूकी से। सेव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, वो संग्रह उसका नाम क्या है पूछा, तिरुमुराय। ठीक है, तिरुमुराय उसको लिखा किसने, नाम्बी ने। ठीक है, नाम्बी ने लिखा है, याद रखिएगा, तिरुमुराय को पांचवा वेद बोला जाता है, सेव ग्रंथ है वो। निम्नलिखित राजाओं में से किसने रामसीता की आकृति और रामसी देवनागरी लेख से कुछ युक्त सिक्के चलाए थे, कौन कर सकता है यहाँ पर ऑप्शन में, तो ये अकबर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये सहिष्णु शासक था, इस वजह से इसको किताबों में महान शासक भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसेना शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, चोल के बारे में बात हो रही है, सभी को पता है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटशाला कदुरा चोल किस के लिए विख्यात थे, तो ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। सूची का सूची दो का मिलान करना है, आचार्य दिए गए और उनके सिद्धांत दिए गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लकुलिस, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है, नागार्जुन की बात करें तो शून्यवाद, भद्रभाव के बारे में बात करेंगे तो जैन, और गौशाल आजीविक संप्रदाय, जिसने ऐसे लगाया उसका सही है, बाकी लोग का गलत हो गया, कोई बात नहीं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त कहाँ पर मिलेगा आपको, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिल जाएगा। ठीक है, विराट पुरुष के 10, विराट पुरुष के अपने जो विभिन्न अंग है उससे उत्पत्ति हुई। इंद्रपरी नृत्य किस जनजाति से किया जाता है, इंद्रपरी 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना सहारिय जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश के कौन से हिंदी कवि ब्रह्म राक्षस के लेखक है, ब्रह्म राक्षस तो बहुत ज़्यादा फेमस है, गजानन माधव मुक्ति तो मुक्ति बहुत, और ये शिवपुर से संबंधित है, और इनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं जैसे चांद का मुठेड़ा है ना, चंबल की छाती, इस टाइप की चीज़। टोला किस जनजाति का मोहल्ला बोला जाता है भाई, गोंड का बोला जाएगा, भारिया का क्या हो जाएगा, ढाना हो जाएगा, भील का क्या हो जाएगा, फाल्या हो जाएगा। ठीक है, सहारिया का सहाराना। नेक्स्ट है कि यूए ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार को 2023 से सम्मानित किया है, तो कौन हो जाएगा, जियानी इन्फेंटिनो, फीफा का अध्यक्ष है। 75वां एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणियों में किसे पुरस्कार मिला, द बियर को। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला और विश्व का तीसरा वाटर स्कूल खोला गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खजुराहो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली कृषि है, तो इसके बारे में बात हो रही है, जैविक कृषि के बारे में बात की जा रही। ठीक है, और इसके फादर ऑफ आपको बताना है कि जैविक खेती का फादर कौन है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो ओडिशा के बारे में बात हो रही, सबसे ज़्यादा चक्रवाती यहीं आते हैं, लासाडीव सागर, लेकेडीव सी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो बहुत ज़्यादा अगर दिमाग लगाओगे तो गलत करके आओगे, और अगर जो कम दिमाग लगाएगा, जरूरत से ज़्यादा नहीं सोचेगा तो सही करके आएगा, लक्षद्वीप सागर ही इसका नाम है। ठीक है, नागालैंड को कोन्याक जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला बसंत उत्सव को किस नाम से मनाया जाता है, एओ लांगमोनियो। ठीक है, नेक्स्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है पूछा गया, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करता है, तो हो जाएगा 200। ठीक है, 201 भी कर सकते थे व्यक्ति, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा वैसे कई लोगों को। निम्न में से सही का मिलान करना है, 63 नंबर का क्वेश्चन है, तो मिलान कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा कोड छोटा करना पड़ेगा, ये देखिए। ठीक है, अब दिखाओ, तो संस्कृति का, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण का अधिकार, समानता। तो सीधे सबसे पहले जो इजी पड़ता है क्या है, संवैधानिक उपचार 32, शोषण के बारे में बात करें तो 23-24 में बलात्श्रम और बच्चों से श्रम नहीं करवा सकते आप, समानता का अधिकार 14 और 18 मिल जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा अपना 29 और 30 में, मिलान कर लेना जिसने भी किया हुआ ऐसा, तो वो सही। मूल अधिकार का लोप है भैया, मूल अधिकार संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया था मतलब 19 से, तो कौन सा है वो 44 1978 में हटाया जनता सरकार ने, 300 आर्टिकल 300A में डाल दिया उसको, विधिक अधिकार बना दिया। भारत के संविधान का प्रारूप करने वाली, तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या हुआ था, मतलब किसने क्या किया था, यह पूछा गया, 65 का राइट आंसर बताइए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा चुना गया था, न कि अन्य ऑप्शन। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, तो क्या नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान नहीं आएगा, बाकी सभी आ जाएंगे। वन के बारे में बात हो रही तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से आ गया वहाँ? अब दिमाग लगाने की बात है। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी समिति का गठन किया गया? नीरज कुमार गुप्ता समिति। ठीक है, अब केस, इसको याद रखने का तरीका क्या, कैसे याद रखने का तरीका कि भैया मैं अगर आपको किसी को आजकल दुकान पे जाओ केस दो ना तो वो नाराज़ हो जाते दुकान वाला, आप लोग तो फ़ोन पे कीजिए हम नहीं लेंगे केस, ये से याद रख सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है, तो कौन? NPCI के बारे में बात हो रही, ठीक है, नेक्स्ट है। और NPS मतलब ATM से अगर किसी प्रकार की चीज़ें भी गलती भी होती है, धोखाधड़ी हो रही है या पैसा फंस गया, NPCI ही देखेगा उसको, और NPCI बॉडी है RBI की, सुप्रीम बॉडी RBI हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है, तो राइट आंसर तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, 69 का, ठीक है, तो याद रखिएगा 69 क्षेत्र जो है अपना कितना है ये 53.4% का योगदान देता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.672 बिलियन डॉलर बढ़ गया, तो राइट आंसर किसके बारे में बात करेंगे? पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करेंगे हम, भारत। सूचितों का मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से मिलान कीजिए, कौन सी किस में मिश्रण मिलता है, CNG LNG इस टाइप की चीज़ें दिखी गई है, तो राइट आंसर देख लो इसका, राइट आंसर हो जाएगा सी। अर्थात क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब ये है कि CNG में क्या होता है, मीथेन और एथेन होता है, ठीक है, LPG में क्या क्या हो जाएगा अपना, ब्यूटेन प्रोपेन होता है, तो यूनिवर्सल सभी को पता है। वहीं बात करें कोल गैस में तो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर में ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। 72 नंबर का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है, किसके उपचार में किया जाता है, तो ये हो जाएगा अपना कैंसर की सेल तोड़नी पड़ेगी उसके लिए। JSP का फुल फॉर्म पूछा गया तो जावा सर्वर पेजेस हो जाएगा, ठीक है। वहीं बात करें निम्नलिखित में से कौन से एक साइबर का अपराध नहीं है, तो हम ऑनलाइन चैटिंग आप लोग करते हैं तो कोई साइबर अपराध थोड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाल साहित्य के संबंध में मध्य प्रदेश का लेखक कौन सा है, तो ये राइट आंसर इसका भ्रमर बताया जा रहा है, ठीक है, तो भ्रमर हो जाएगा राइट आंसर। 24 बोली किस बोली का अन्य नाम है, तो जांदो माटी का नाम है, जांदो माटी को 24 बोली बोला जाता है। कौन सा नृत्य मुड़िया आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, 77 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, गेंडी नृत्य किया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा, ये गेंडी जो है गोंड के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। एक ही नृत्य कई जनजातियाँ करती है, जैसे कर्मा के बारे में बात करें तो गोंड भी करते हैं, बेगा भी करते हैं, तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर दोनों ही आ गए तो फिर दोनों लगा नहीं सकते, कोई एक भी लगाएंगे तो सही हो जाएगा वो, फिर ऑब्जेक्शन तो फाइल करने पड़ेगा क्योंकि 100 में से 100 क्वेश्चन इन लोगों से सही तो बनते नहीं। मोरते चित्र का संबंध किससे है, मोरते या बुंदेलखंड से हो जाएगा, ठीक है। 79 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को काला अनुक्रम के अनुसार लगाना, ये है तगड़ा क्वेश्चन, इस टाइप का आपने सोचा नहीं होगा, और सोचा होगा तो बहुत अच्छी बात, जिसने सोच के रखा होगा कि भाई यार ऐसा क्रम भी तो पूछ सकते हैं, तो इससे क्या समझ में आता है आपको, CM गवर्नर और CGI, इन तीन का तो एटलीस्ट क्रम देख लेना। अब क्रम कैसे देखेंगे सर, इतने सारा लिस्ट कैसे याद रखेंगे, कुछ मत करो, क्या करो, इसके शुरू के 5 का क्रम बनाओ, सबके शुरू का 5 और शुरू का लास्ट का 5, बस इसके अलावा बीच में छोड़ दो। शुरू के 5 CM कौन रहा है, लास्ट के 5 CM कौन रहा है, शुरू के 5 गवर्नर, लास्ट के 5 गवर्नर, इतने में काम हो जाएगा। 79 का राइट आंसर, ये तो हमसे भी नहीं हो पाया सही, आप अपनी क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2413, हमें भी नहीं पता था, तो इसको ठीक है, इसको अपना फ्री हैंड दे दिया कि चलो ठीक है, ऐसे तो कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा कि भैया नहीं बनेगा, सर्वज्ञानी थोड़ी क्या अपन, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना आपने। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संबंध में सही सुमिलित सूची का मिलान करना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको जैसे पढ़ा आपने तो नहीं बनेगा तो उसको छोड़ दो, उसको पढ़ो भी मत आगे, वहाँ टेंशन नहीं लेना, अरे और ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, वो फालतू का तनाव मतलब वहाँ पे एग्जाम, तो किस किस के समय कौन कौन सा कांड हो गया, तो राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। अर्जुन सिंह में के समय हो जाएगा अपना भोपाल गैस कांड, ठीक है। श्यामाचरण शुक्ल के समय पहला प्रेसिडेंट रूल लगा। प्रकाश चंद्र सेठी की आपातकाल के समय मुख्यमंत्री थे मोहन यादव, तो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री उज्जैन से हम संबंधित है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी रहे, ये हो जाएगा रामकिशोर शुक्ला, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लागू की गई थी, तो यूनिवर्सल क्वेश्चन, 2010 और 2011 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 2000 और 2001 में अटल जी की सरकार। दादा धूनी वाले ताप विद्युत प्रोजेक्ट की स्थापना कब की गई है, ठीक है, 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 2010, ठीक है, दादा धूनी वाला काम पर हो जाएगा खंडवा में, जो कि 2010 में स्थापना की गई। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई, 1962 में, अगर यहाँ पर 1965 होता ना तो आप लोग कन्फ्यूज करते, यही एक सबसे बड़ी चुनौती है कि गलतियाँ कितनी कम करोगे आप।
2021-22 में मध्य प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना बल कितना था, तो 128.81 लाख हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूची वन सूची दो दी गई है, तो भाई यहाँ पे निवाड़ी भदावरी श्यामा महासिर, तो यहाँ पे इजी पता है महासिर मछली है, भदावरी भैंस है, निवाड़ी कहाँ है। ठीक है, तो ये मिलान कर लो, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का मुख्य कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है, तो कहाँ पर मिलेगा, पश्चिम में मिलेगा, पश्चिम में। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना का गठन कब किया गया, पूछा गया तो 2005 में किया गया, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूची एक सूची दो दी गई है, यहाँ पर कौन कहाँ पे जाएगी, कैसे जाएगी, वैनगंगा। एटीरियन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना डी हो जाएगा। ठीक है, इसको मिलान कर लेते, क्या हो जाएगा, वैनगंगा हो जाएगी, सिवनी की जीवन रेखा। चंबल के बारे में बात करेंगे तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है, सोन नदी के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगी अपने बघेलखंड से और बुंदेलखंड से, वे तो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र में अति सघन वन क्षेत्र विस्तृत है, ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, इस टाइप का कोई पढ़ता नहीं है, तो पढ़ने से इससे समझ में आ जाएगा कि आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 6664, मतलब 6664 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्य कगार बोला जाता है, कौन सा प्रदेश है वो, किसको बोला जाएगा, ऐसा ये हो जाएगा रीवा पन्ना का पठार, विंध्य क्षेत्र को भी बोलेंगे ना। जनजाति नेता सीताराम कंवर रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब सम्मिलित हुआ था, तो 1857 में सम्मिलित हुआ था। खाली जनजाति का अगर तुम ये भी याद रख लेते हो कि भाई किस ईयर से संबंधित है, तो फिर सही हो जाएगा आपका। 93 नंबर का क्वेश्चन है कि भाई प्रसिद्ध कौन साहित्य रसमंजरी की साहित्यकार कौन है, भानुदत्त मिश्रा। ठीक है, ये इसके प्रसिद्ध रचयिता है। निम्नलिखित में से कौन तोमर वंशी शासक को उनकी वीरता के कारण तेजो रत्तम भी कहा है, तो किसको बोला है, ये वीरदेव को, वीरदेव विक्रमदेव को बोला गया है। ठीक है, तेजो रत्तम याद रखिएगा, और मुझे लगता है कि शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, कोई बात नहीं। ठीक, नेक्स्ट के निम्नलिखित युगमों में से कौन सा स्वयं सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे जहांगीर का बोला जा रहा है, जो कि बल्ख का युद्ध है, बल्ख का युद्ध जहांगीर के साथ नहीं हुआ था, याद रखिएगा, ये इसने शाहजहां का युद्ध था। ठीक है, बाकी सभी सही। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाए तो किसके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, ये भी शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा हो, और जिसने पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता के बारे में बात करी कि कौन सी समानता थी और नहीं थी। 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, 3, 4, पहला नहीं था यहाँ पे, तापर उपभोग के अति परिहार, बाकी सभी सही है। 98 का क्वेश्चन है कि सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किसके ऊपर आधारित है, 98 का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 का बी हो जाएगा, ललित विस्तार। ठीक है, ये इसका उन्होंने इंग्लिश में संस्करण किया था, ये ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कैसा अधिकारी था, भागदूह तो किस प्रकार का अधिकारी था, ये हो जाएगा राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था, भागदूह। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की के किस पुरास्थल में से नाव के चित्र मॉडल प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो और लोथल से। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, इसके बाद अपना अब हो गया है 19 को टेस्ट और हो जाएगा एक और 20। ठीक है, तो 20 टेस्ट करवा देते हैं क्योंकि अब समय भी बहुत कम है और ज़्यादा समय आप लोग का लेंगे नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, थैंक यू, और बढ़िया से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है।